वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माई जजमेंट सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी अभी तक हमने अराउंडीन टू फिफ्टीन जजमेंट कर ली है एंड आई होप आपको सारे पढ़कर कुछ कुछ अब कनेक्शन बनाना स्टार्ट आ गया होगा इन द इंडियन पॉलिटी प्लस इसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का तब आपको बहुत ईजी होगा हर एक चैप्टर में बेट इन द फंडामेंटल राइट बेट इन द डी पी एस पीच क्योंकि हमने इससे रिलेटेड सभी केसेस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं आज का जो हमारा केस है एस आर बोमई केस जो कि चीफ मिनिस्टर थे ऑफ द स्टेट कर्नाटका जहां से अभी रिसेंटली कल चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया येद्यूरप्पा जी ने एंड ये प्रेसिडेंट रूल यू नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री वी हैव स्टेट इमरजेंसी ऑल वी कॉल एज

राष्ट्रपति स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं डन एंड यही वो केस था एंड उसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत फेमस जजमेंट आई जिसको अभी रिसेंटली अगर मैं कॉन्टेम्प्रेरी इश्यू में कहूं तो उत्तराखंड में रावत जी की गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की तब वो यूज किया गया एंड उनको बाय सुप्रीम कोर्ट रिनस्टेट दोबारा से उनकी सरकार लाई गई दैट इज द जुडिशियल रिव्यू सो दिस इज एस आर बोमई केस प्रेजेंटेड बाई माइसे हर जजमेंट में पहले इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड कर लेते हैं सो डेट हमें केस का पता हो कि केस से उठा क्यों ओके सो फर्स्ट एस आर बोमई केस इज अजमेंट रिलेटेड द प्रोक्मेशन ऑफ द इमरजेंसी जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 356 फिफ्टी पार देता है प्रेसिडेंट को कि उसमें वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इन द स्टेट अगर उनको लगता है कि कुछ कंडीशन जो भी हम डिस्कस करेंगे वो फुलफिल हो रही है अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ढंग से नहीं चल रही है तो प्रेजिडेंट वहां पर स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर रिपोर्ट अगर गवर्नर ने रिपोर्ट दी कि स्टेट अभी ठीक से नहीं चल रहा है उसके बेस पे भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है बट ये डिस्क्रिशनरी नहीं है कि कुछ क्लॉज ही नहीं है कुछ ग्राउंड्स ही नहीं है एंड प्रेसिडेंट ने उसको अपने ही व्यू पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी डन यही इस केस का एक जस्ट था सो दिस केस बेसिकली डील विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कैसे करना है एंड द इश्यूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म फेडरलिज्म का यहां पर एक केस आया था एंड सेक्युलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन थी तो उन्होंने कहा कि ये सेक्युलर नहीं है अनसेक्युलर है तो यहाँ पर फेडरलिज्म और सेक्यूलरिज्म से रिलेटेड भी एक जजमेंट आई थी वो आपको डिस्कस करेंगे प्लस आपको मैं यहाँ पर दो चीज बता देता हूँ फेडरलिज्म वर्ल्ड बजट ये दोनों ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी मैंशन नहीं है हमारे पास आर्टिकल वन वन टू है जो कहता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट नॉट द वर्ल्ड बजट थर्ड जैसे मैंने आपको बताया बोमई जी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटक बिटवीन थर्ड अगस्त टू अप्रैल जिस दिन इनकी सरकार को डिजॉल्व कर दिया गया द प्रेडेंट गवर्नमेंट ऑन द दैट डिसमिस द गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द गवर्नमेंट मेजोरिटी फॉलोइंग लार्ज स्केल डिफेक्शन जैसे हमने पढ़ा था डिफेक्शन होता है फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट ओके एंटी डिफेक्शन लॉ आया था एंड इंपोज

बट अनफॉर्चुनेटली उनकी पिटिशन वहां पर डिसमिस कर दी गई एंड फाइनली उन्होंने अपने को सुप्रीम कोर्ट में गए अंडर आर्टिकल 32 बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको रेमेडी देने के लिए आर्टिकल 32 ही है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलमोस्ट पांच साल लग गए उनको इस कंक्लूजन पे आने के लिए एंड ऑन इलेवेंथ नाइन फोर में सरकार गई थी नौ no की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा मैंने आपको बताया था, था? मोटा -मोटा, बताऊं तो बुम्बई जी की गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया गया किस ग्राउंड पे किया गया कि वहां पर बहुत सी डिफेक्शन चल रही है सरकार के बंदे इधर से एक पार्टी के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं एंड यही क्लॉज को यूज कर, कर प्रेसिडेंट ने वहां पर क्या करा एक स्टेट इमरजेंसी और वी कैन द प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया नाउ अब आर्गुमेंट्स क्या आए गए फ्रॉम द बोमई साइड एंड सेकंड उसको काउंटर करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या किया यहां पे। फर्स्ट द पार अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट सब्जेक्टिव डिस्क्रिपन और ओपिनियन पहले यह कहा गया बोमई जी के द्वारा कि यह सब्जेक्टिव या ओपिनियन नहीं है बट ऑन दैक्ट्स आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बेस पे ही डिक्लेयर कर सकते हैं अदरवाइज आप इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते डन एंड इसको सबसे पहले कोर्ट में लाया गया सेकेंड पॉइंट यहां पर यह कहा गया कि जो आप प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स वहां पर जो ग्राउंड है और जो रीजन है द प्रोक्लेमेशन मस्ट प्रोवाइड द ग्राउंड एंड द रीजन फॉर रीचिंग द सेटिस्फेक्शन

No कर्नाटका में नहीं हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश मेघालय नागालैंड बहुत से स्टेट में इसको यूज करा गया था प्रेजेंट रूल को ऑल दो इसके बाद जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे राबड़ी देवी की गवर्नमेंट को भी हटा दिया गया था बट वहां पर लैंडमार्क जजमेंट बोमई जी की केस यहां पर यूज हुआ एंड रिन स्टेट कर दिया उसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी हमारे पास है हरीश रावत जी की गवर्नमेंट इन द उत्तराखंड जहां पर कहा गया कि ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन नहीं है तो गवर्नर ने वहां पर फ्लोर टेस्टिंग नहीं करवाई फ्लोर टेस्टिंग इज मस्ट इट इज अ फॉरम जहां पर गवर्नमेंट की एक मेजोरिटी चेक होगी डन तो कहा कि खाली कॉम्यूनल डिस्टर्बेंस है बाबरी मस्जिद का और लूटिंग हो हो रही है, हो रही है है आप इसके बेस पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं एंड सेक्युलरिज्म उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है और ये हमारे संविधान में नहीं समझाया गया है ऑल दो प्रियम्बल में कहा गया इंडिया सेक्युलर स्टेट मतलब आप हर रिलीजन को इक्वल मानेंगे डन ज नो डोमेंस ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन इन इंडिया वी के नॉट से हिंदू स्टेट इंडिया एज अ मुस्लिम स्टेट हम नहीं कह सकते हैं वो हमारे पास आता है पाकिस्तान में श्रीलंका में बुद्धिस्ट आते हैं बांग्लादेश में बट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट सबसे ब्यूटीफुल थिंग हमारे देश के बारे में है दैट वी आर अ सेक्युलर स्टेट हेंड्स कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर टेकिंग एक्शन थ्री फिफ्टी सिक्स आप सेक्युलरिज्म का नाम लेकर डन आप यहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं

वो बार करता है कि कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती कि कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस दी जाती है टू द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इन्वोक्स प्रेसिडेंट रूल कहा कि वो जरूरी नहीं है कि वो दे या ना दे और अगर वो दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो इट बार्स इंक्वायरी उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि वेदर द एडवाइस वॉज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर और नॉट इसका डायरेक्ट मतलब है कि आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते हैं आप ये नहीं चेक करा सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति ने सही डिक्लेयर करी है या नहीं करी है डन अब रिस्पोंडेंट ने कहा यहां पर कि सेक्युलरिज्म बीइंग अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिस्क कैन बी डिस्मिस इफ गिल्टी ऑफ अनसेक्युलर एक्ट का नाम ले दिया गया एंड कहा दे कंसिडर द इवेंट द डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड राम जन्मभूमि जो बन चुकी बाबर मस्जिद एज अ उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर राम जन्मभूमि का, तो का पार्ट नहीं है ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन में यह टर्म नहीं है बट यह बेसिक फीचर है हमारा इसलिए इसको बाद में डॉक्टरीन ऑफ बेसिक फीचर जो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उसमें एड भी करा गया सेक्युलरिज्म अब आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते हैं कि जिससे सेक्युलरिज्म ही वायलेट हो जाए फाइनली हमारे पास जजमेंट डे आता है कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो इट टू बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव मटेरियल देर फोर टू कंडीशन मस्ट बी मेट बिफोर प्रोक्लेमिंग द इमरजेंसी फर्स्ट द प्रेसिडेंट शुड

ब्रीच कर रहा है ओवर रीच कर रहा है तो जुडिशियल इसे रिव्यू करके कैंसिल कर सकती है इसका बेस्ट एग्जाम्पल उत्तराखंड एंड सेवन टू में जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कह रही थी कि इट बार्स एनी इंक्वायरी वेदर द एडवाइस बाय द मिनिस्टर टू द प्रेजिडेंट और नॉट उन्होंने कहा इट डज नॉट बार स्क्रूटनी ऑफ द मेटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच एडवाइस इज गिवन ये

तभी आप उसे डिजोल्व कर सकते हैं अदरवाइज उस टाइम तक फिर भी आप सस्पेंशन में ला सकते हैं बट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं एंड नॉट बिफोर उससे पहले आप ये नहीं कर सकते हैं अगर हुआ है, तो आपको उसको रिस्टेट करना पड़ेगा फोर्थ इफ द कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द प्रोक्लेमेशन अगर कोर्ट कर देता है इट है पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड गवर्नमेंट एंड रिवाइव द असेंबली ऑल्सो अगर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रोक्लेमेशन को कैंसिल कर सकता है

Into the advice standard by the minister to the president is also open to the judicial review. It is not a subjective question of the governor or the president to decide the president rule. Okay. This is all from my side, Jahint.